आरसीबी की टीम ने स्मृति मंधाना की कप्तानी में वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीत लिया है। बेंगलोर ने खिताबी मुकाबले में मैग लैनिंग की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त दी। आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद विराट कोहली ने वीडियो कॉल कर महिला टीम को बधाई दी थी। आरसीबी की महिला टीम की जीत से विराट कोहली बेहद खुश नजर आ रहे थे। अब स्मृति मंधाना ने खुलासा करते हुए बताया कि जीत के बाद विराट कोहली से वीडियो कॉल पर क्या बात हुई थी। बता दें कि विराट कोहली पिछले 16 सालों से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा है। वह आईपीएल में आरसीबी की पुरुष टीम के लिए 16 सीजन खेल चुके हैं और इस बार वो 17वें सीजन के लिए मैदान पर उतरेंगे। हालांकि आरसीबी की पुरुष टीम ने अब तक कोई खिताब नहीं जीता है। ऐसे में पहला खिताब देख कोहली का खुश होना तो बनता ही था। वहीं महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ने वीडियो कॉल पर हुई बात को लेकर कहा, मैं शोर की वजह से विराट भैया की बात सुन नहीं पाई। वह मुस्कान के साथ बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। वह पिछले 16-17 सालों से फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं, इसलिए मैं उनके चेहरे पर वह खुशी देख पा रही थी। विराट कोहली के वीडियो कॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें किंग कोहली डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। अब मंधाना ने बताया कि विराट कोहली जीत से बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आईपीएल में पुरुष टीम भी आरसीबी की खिताब जीतने का कारनामा कर पाती है या नहीं। वैसे ये भी बता दें कि विराट कोहली इंडिया आ चुके हैं और आरसीबी की टीम के साथ जुड़ चुके हैं और आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी में अपनी तैयारियों को भी शुरू कर चुके हैं। गौरतलब है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन यानी 2024 के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरा फाइनल गवाया है और खिताब से चूकी है। टूर्नामेंट के पहले सीजन में भी दिल्ली ने फाइनल में जगह बनाई थी, तब हालांकि उन्हें मुंबई इंडियंस के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। वहीं इस बार आरसीबी ने फाइनल में दिल्ली को हरा कर खिताब अपने नाम किया। अब विराट कोहली की टीम से बात करने पर आपका क्या मानना है और आपको क्या लगता है क्या इस साल विराट कोहली की भी टीम कारनामा कर पाएगी या नहीं, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।